हाय गाइस, तो फाइनली कल सफ़र शुरू हुआ था और अब फाइनली हम लोग जो है दिल्ली वापसी कर रहे हैं नेशनल हाईवे 44। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक लोग जानते भी होंगे, लेकिन चलो यार, एक रास्ता है तो कुछ बात तो करनी है ना। और बातों में पता लगा कि नेशनल हाईवे 44 जो है ना, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इंडिया का लैंड। इसके अगर मैं ओवरऑल किलोमीटर्स की बात करूं, तो बॉस 4100 किलोमीटर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर फ्रॉम द नॉर्थ एंड जो लास्ट स्टॉप है, अगर आप मैप देखोगे ना, तो वो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल डिपोर है, कन्याकुमारी पे जाके ख़त्म होगा। तो 4100 किलोमीटर्स का पूरा ये डिस्टेंस है जो आपको 11 राज्य यानी कि 11 स्टेट्स आपको कवर करवाएगा। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हम कल जो है निकले थे दिल्ली से मुकरबा चौक से, और मुझे लगा कि नेशनल हाईवे 44 जो है उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। इस हाईवे पे ना तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी, बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, फिर हाईवे के आसपास आप देखोगे पूरी ग्रीन बेल्ट है और बहुत सारी सिटीज़ को कनेक्ट करता है हाईवे, काफ़ी पुराना हाईवे है। और अगर मैं बात करूँ नेशनल 44 के अलावा, कि इस हाईवे के अलावा अगर हम और हाईवेज की बात करते हैं और वर्ल्ड में अगर हम देखें, तो इंडिया जो है ना, हमारा जो देश है वो आता है 2 नंबर पे। तो हमारे जो इंडिया में है ना, 200 से ऊपर यानी कि 200 नेशनल हाईवेज हैं जो आपके जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सैल्यूट है यार जिन्होंने ये हाईवेज बनवाए। फिलहाल दिल्ली वापसी है, और दिल्ली वापसी के साथ साथ हम जो है ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेके कुछ लंच करेंगे। तो यहाँ पे तो यार फिर आपको पता है कि ढाबा कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। ढाबा कैपिटल बोलते हैं मूर्थल को। मूर्थल जाने वाले हैं, और मूर्थल में ना एक नया एयरपोर्ट बना है। तो वो एयरपोर्ट क्या है, कैसे है, अभी शुरू है तो कुछ महीनों पहले ही उसे ऑन किया गया। तो लेट्स सी, चेक करते हैं कि वो एयरपोर्ट क्या है। भाई ये बोर्डिंग पास मैंने ले लिया। मैंने आपको बोला था ना, NH44 पे जो है ना एक नया एयरपोर्ट खुला है यार, हिंदी में बोलूँ तो हवाई अड्डा। और ये बोर्डिंग पास आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू है 200 रुपये की, 200 रुपीज़। तो फ्लाइंग बाइट्स की जो टीम है ना, वो अब पहुँच गई हवाई अड्डा फ्लाई करने के लिए और कुछ बाइट्स देने के लिए। लेट्स सी, ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सस्पेंस है यार। कम ऑन गाइस। तो गाइज, हवाई अड्डा पे मैं आ चुका हूँ यार। ये NH44 का जो है ना टिकट मैंने कटवाया है अभी, और मेरे को लगा कि चलो यार कुछ एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर में मैं यहाँ आ चुका हूँ, और ये देखो ये मेरे हाथ में मेन्यू कार्ड, बड़ा बेहतरीन सा मुझे लग रहा है यार। सो लेट्स एक्सप्लोर और देखते हैं कि हवाई अड्डा का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में ना आजकल कॉन्सेप्चुअल बेस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो बॉस, दिल्ली से मूर्थल का टिकट सिर्फ 200 रुपये का, बैठे हैं। आप देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, और बात करते रहेंगे खाने के साथ साथ। तो फिलहाल मेन्यू में सब कुछ है। पार्टनर के साथ एक बार मैं डिसाइड करता हूँ कि मेन कोर्स या फिर स्नैक्स। तो कमल जी, हाय, सबसे पहले आपका वेलकम है। वेलकम सर। मुझे बताओ यार, ये हवाई अड्डा जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फाइन डाइन तो मेरे को यार बहुत अच्छा सा लग रहा है यार, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है, पर पूरा बता दो यार। सर, जो हमारा ये हवाई अड्डा है, इसकी हमारी जो फर्स्ट ओपनिंग हुई थी लुधियाना में हुई थी। लुधियाना में? ओके, राइट। और जो एक प्लेन कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ओपनिंग में लॉन्च भी हमने किया था। अच्छा, ओके। तो हमारा ये हरियाणा मूर्थल पे सेकंड कॉन्सेप्ट है। ओके। और जो आपको ये बोर्डिंग पास मिला 200 रुपीज़ का, जो भी आपका फूड का फाइनल बिल आता है, उसमें से जो भी आपका फूड का फाइनल बिल रहेगा, उसमें से 200 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दिस इज समथिंग गुड यार, मतलब लाइक ये कोई बर्डन नहीं है। 200 रुपये का टिकट लेके आप जब ऊपर आओगे ना, दिस इज एक्चुअली दे विल डिडक्ट द फाइनल अमाउंट फ्रॉम दिस।
कितनी सीटिंग है सर इसमें? हमारे पास एक में 78 है, दूसरे में भी 78 है। और दोनों ऑपरेशनल है अभी? दोनों सेम है सर। तो दोनों ऑपरेशनल है और आज हमें जो है ना एक मौका मिला, इस रूट पे थे हम लोग NH 44। Yes. तो दिल्ली से मूर्थल, मूर्थल से नोएडा आने वाले जो है ना लोग वो यहाँ ज़रूर आते हैं। और क्राउड आप देख रहे हो यार मेरे पीछे, दनादन पूरा फुल पैक्ड है। और आज जबकि वीकडे है, वीकेंड नहीं है, तो वीकडे में इतना रश यार मैं सोचता हूँ यार एक्चुअली काबिले तारीफ है यार। अच्छा ये एक बेबी आ गई। ओह दैट्स ग्रेट। हेलो हाय, माय नेम इज माही। आपको हमारा फूड कैसा लगा यहाँ पे? वेरी टेस्टी। थोड़ा तेज बोलो। वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी। तो देखो यार एक जनरल ओपिनियन जो है ना अबाउट द फूड आ चुका है और ये यहाँ की फैन है। कितनी बार आए हो आप यहाँ पे बेटा? फर्स्ट टाइम आई हैं। और कहाँ पे रहते हो आप? पटेल नगर। दिल्ली पटेल नगर? दिल्ली पटेल नगर से यार देखो यार यहाँ पे लोग खाने आ रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ तो बात है यार। और मूर्थल में ना कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में उन लोगों के लिए जिनको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार ये फंटास्टिक है यार जो जॉब इन्होंने पूरा कैबिन बना के किया यार यहाँ पे। पर चैनल क्या है यूट्यूब पे? ये और फैन एक भाई मेरे दोस्त जुड़े हैं यार। देखो यार किड्स, मैं भी इनकी तरह बैठ था पहले। पर यार चैनल का नाम है फ्लाइंग बाइट्स। तो गाइज ये देखो यार यहाँ पे रियल ऑडियंस है जो आपको बता रही है कि एक्चुअल में पैटर जो है ना वो किस तरह से सजाया गया और किस तरह से सर्व हुआ। सर कितने पीस है इसमें? इट्स लाइक अ फैंटास्टिक फ्लेवर, अराउंड 3-4 पीसेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टार्टर्स दैट यू कैन गेट। देखो सर की हेल्थ देख के लग रहा है कि ये प्लेटर पूरा इन्होंने खत्म किया है और जो इनकी पार्टनर है ना वो बिल्कुल शाये हो रही है, लेकिन बताएंगी मैम कैसा लगा आपको ये? अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट स्पाइसी और नॉन स्पाइसी का परफेक्ट ब्लेंड था जी। राइट, I'm sure everyone would enjoy. Definitely, yaar. I will go for some other thing because we are actually heavy right now. So definitely explore करेंगे next time. But उससे पहले जो हमारी sitting जाने वाली है वहाँ चलते हैं और कुछ खा के explore करते हैं. Thank you guys. Thank you so much. Paita, this is paneer. And this is which paneer? Paneer tikka masala, sir. Paneer butter tikka masala. Okay. खूब मक्खन इसमें। थोड़ा बचना पड़ेगा यार, एक्सरसाइज जो है ना रेगुलर करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। पर कोई बात नहीं, समटाइम्स इट हैपन्स यार, आप टूर पे होते तो ये सब अवॉइड नहीं कर सकते, आप खाना पड़ता है। और ये लच्छा पराठा आ गया सर। लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड खाने के साथ बात करने में जो मज़ा है ना यार वो एक्चुअली में बड़ा नेचुरल होता है, फ्लो। आई एम डन विद दिस यार, और फुल हो गया। तो हम थे हवाई अड्डा और कॉन्सेप्चुअल कैफ़े है, मुझे अच्छा लगा। यहाँ एम्बियंस अच्छा था, म्यूज़िक आप सुन रहे होंगे कुछ कुछ हल्का, मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है यार। इसके अलावा लोग जो यहाँ आ रहे थे ना, मुझे किसी के चेहरे पे ये नहीं लगा कि वो एक्सपेरिमेंट करने से कतरा रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ लोगों ने खाना खाया, हमने देखा भी और कुछ लोगों से बात भी की, तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है यार। आप लोग आओ यहाँ पर और ये कॉन्सेप्चुअल कैफ़े जो है ना ये आप इन्जॉय करो, एक्सप्लोर करो। एंड आई होप ये आपको पसंद आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अलग से दूंगा अपने लिंक में कि ये जगह कहाँ है, कैसे है। और मेन्यू तो ऑलमोस्ट देखो सेम है यार, वही दाल, वही चपाती और वही सब्ज़ी, वही स्नैक्स। तो सीधी सीधी बात यह है, काम के टाइम पे काम और काम से जब कुछ फुर्सत मिले तो फुर्सत के पलों को कुछ यहाँ लेकर आप इन्जॉय कर सकते हो। तो जीना इसी का नाम है मेरे भाई। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं, एक चीज़ और बची है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर साइन ऑफ करेंगे। तो गाइस रिफ्रेशिंग चॉकलेट शेक इससे एंड अप करेंगे यार। और चॉकलेट तो वैसे ही आपको पता है यार एनर्जी बूस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि अभी जो 2 घंटे का ट्रैवल है ना उसमें हम और कुछ नहीं लेंगे और ये चॉकलेट शेक से हम ख़त्म करते हैं। तब तक आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। तो ये यार ये शेक पीते पीते और ये ऑडियो चेक करते करते जो है ना अब मैं चेक करने वाला हूँ कि कितने का बिल आएगा। बिल मैं भर देता हूँ और सबसे बड़ी बात वो जो 200 रुपये का जो बोर्डिंग पास था ना वो पास इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि जो टोटल बिल आएगा वो तकरीबन कुछ 450-400, जिसमें हम लोग दो लोगों ने जो है ना मील को पूरा इन्जॉय किया और इस शेक के साथ हमने ख़त्म किया। और होप कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते ये जो शेक है ये डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और मैं कोई रेटिंग्स रिव्यू नहीं देने वाला हूँ बिकॉज आप लोग खुद समझदार हो, यहाँ आओ अपने आप से देखो कि यहाँ क्या है, इन्जॉय करो लाइफ को, बस यही मूल मंत्र के साथ जो है कहीं भी जाओ और घूमो फिरो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।